9.2.2 क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, अर्थात यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ट्वाइस Na सॉलिड सोडियम प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड जल इस इक्वल टू ट्वाइस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा। मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करती है, परंतु गर्म जल या जलवाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः धातु तैरना आरंभ कर देती है। Mg सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड इस इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस H2 गैस। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहे जैसी धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ट्वाइस Al सॉलिड प्लस थ्राइस H2O गैस इस इक्वल टू Al2O3 सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस। ट्वाइस Fe सॉलिड प्लस थ्राइस H2O गैस इस इक्वल टू Fe2O3 सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस। सामान्य ताप पर तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। 9.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। हम जानते हैं कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है। कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लैटिनम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। Cu सॉलिड प्लस 4HNO3 एक्वस इस इक्वल टू CuNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस ट्वाइस NO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। सोना और प्लैटिनम धातुएं सिर्फ अम्लराज एक्वारेजिया, 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 से ही क्रिया करती हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उन्हें वातावरण के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है, साथ ही उन्हें अन्य धातुओं के साथ मिश्रित कर कैसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।